I am studying exercise 7.5, unit 7. This is the last exercise of the 7 unit. Solve by using Cramer's rule. We have two equations, 2x plus 5y, 2x minus 2y. 2x plus 5y is equal to 9 and 4x minus 2y is equal to 1. We will apply Cramer's rule. दो मेथड होते हैं, एक मेथड क्रामर्स रूल का होता है, एक मैट्रिसेस मेथड का होता है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा वो मैट्रिसेस मेथड से आपको समझाऊंगा. तो अल्टरनेट हम इस तरह क्वेश्चंस कर लेंगे क्रामर्स रूल से और मैट्रिसेस मेथड से. सबसे पहले मैं क्रामर्स रूल को अप्लाई कर रहा हूँ, किस तरह करेंगे पहले देखिए. मैं मैट्रिसेस फॉर्म बना लूँ, 2 4 5 माइनस 2 2 4 माइनस 5 माइनस 2. मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिया है, नंबर्स को, कोएफिशिएंट्स को. इसी तरह से एक्स वाई, एक्स और वाई वेरिएबल को भी मैंने वर्टिकली एक मैट्रिसेस फॉर्म बना ली, इक्वल टू 9 और 1, ये भी मैट्रिसेस फॉर्म में आ गया. अब फर्स्ट वैल्यू जो है 2 5 4 माइनस 2, मैं सपोज कर लेता हूँ ये डी के बराबर है. इसका मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, ज़रूरी नहीं मैं डी लिखूँ, ए लिख सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ, कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर ले सकता हूँ. अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म बना ली पहले, यानी मोड फॉर्म बना ली. अब मैं इसका डिटर्मिनेंट कैसे लूँगा, 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा जिसे हम करते हुए आ रहे हैं, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा. 2 2 ज़ा 4 और 5 4 ज़ा 20, दोनों माइनस में होंगे क्योंकि ये माइनस का है, माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस में, तो 20 और 4 प्लस हो जाएंगे, ये माइनस 24 हो जाएंगे. नॉट इक्वल टू 0, जब अगर 0 आ जाएगा तो हम आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें हमारी ये क्या हो जाएगा, क्रामर्स रूल में अप्लाई नहीं हो सकेगा, सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होगा. मगर 0 नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन सेट इज़ पॉसिबल. अब जब सॉल्यूशन सेट पॉसिबल हो जाता है तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करने के लिए हम डी एक्स निकालेंगे. डी एक्स कैसे निकालते हैं, बहुत तवज्जो से सुनिएगा. 2 4 को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, और उसकी जगह 9 1 लिख लेंगे. एक्स यानी ये एक्स का पार्ट है और ये वाई का पार्ट है, तो एक्स की पार्ट को हटा कर हम 9 और 1 लिखेंगे. हमने डी एक्स में 9 और 1 लिख लिया, 5 माइनस 2 ऐसे लिखा, बिल्कुल वैसे डिटर्मिनेंट इसका निकाल लिया डी एक्स का. 9 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन, 5 को 1 से, 9 2 ज़ा 18, 5 1 ज़ा 5, 18 माइनस 5 -23 हो जाएंगे, डी एक्स निकल गया. अब डी एक्स निकालने के बाद हम जाएंगे डी वाई की तरफ. डी वाई में क्या करेंगे, वापस आ जाइए, हम 5 माइनस 2 को हटा देंगे और 9 1 लिख देंगे इसकी जगह, यानी वाई की वैल्यू आ जाए, वाई बन जाएगा ये डी वाई. तो क्या हुआ, डी वाई के लिए 2 4 एज इट इज़ रहा और इसकी जगह आ गया 9 1. डिटर्मिनेंट निकालने, नाउ यू विल फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट. 2 1 ज़ा 2, 9 4 ज़ा 36, 9 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 1 ज़ा 2, 9 4 ज़ा 36, 36 माइनस कर दें 2 को, तो -34 आ जाएंगे, डीवाई की वैल्यू -34 आ जाएगी. अब क्रामर्स रूल है क्या, असल में डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट एक्स को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया जाए तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यही क्रामर्स रूल होता है. इसी तरह वाई मालूम किया जाता है. तो डी एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, डी एक्स की वैल्यू है -23 और डी की वैल्यू -24, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दें, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 23 ओवर 24, ये आ जाएगा आपके पास एक्स की वैल्यू. डी वाई, ये भी क्रामर्स रूल का पार्ट है. डी वाई मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, -34 डी वाई की वैल्यू रखेंगे, वाई मालूम करने के लिए डी वाई ओवर डी लिखेंगे, और डी वाई की वैल्यू रखेंगे तो -34 और डी की वैल्यू 24 जो निकाल चुके हम. माइनस माइनस कैंसिल करें और 2 के टेबल से इसको काट लें, मैंने रफ में काटा हुआ है, तो ये 17 ओवर 2 आएगा. इसको होल नंबर में भी ले निकाल सकते हैं, 1 होल नंबर 5 ओवर 12, ठीक है, होल नंबर में भी आंसर लिख सकते हैं. इसमें भी मैंने सॉल्यूशन से लिख लिया बगैर होल नंबर के, आप होल नंबर में भी लिख सकते हैं इसको, 1 होल नंबर 5 ओवर 12, ठीक है. ये इस तरह से ग्रामर स्कूल को मैंने सॉल्व किया है, बहुत अच्छी तरह से इसको कीजिए. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम एक्सप्लेनिंग यू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.5 बाय यूजिंग मैट्रिसेस मेथड. फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने आपको क्रामर्स रूल से एक्सप्लेन किया था, अब सेकंड क्वेश्चन मैं आपको मैट्रिसेस मेथड से कर रहा हूँ. क्रामर्स रूल से आप ये खुद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है. मैट्रिसेस मेथड देखिए, दो इक्वेशंस दी हुई है, एड एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4. फर्स्ट स्टेप वी विल टेक, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म बनाते हैं. ट्रांसफॉर्म फॉर्म कैसे बनाएंगे, एड एक्स माइनस 4y, एक्स प्लस 2y को मैट्रिक्स की फॉर्म में ले लें और 2 4 को भी मैट्रिक्स की फॉर्म में ले लें. अब इसको अलग कर लें आप, 8 माइनस 4, इधर 1 है, एक्स के साथ कोफिशेंट क्या है 1 2, अलग कर लिया एक्स वाई, यहाँ पर हमने अलग कर लिया, ये ट्रांसफॉर्म फॉर्म बन गई 2 4 एज इट इज़
सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, नेम प्रोवाइड करेंगे मैट्रिसेस फॉर्म को, यानी 8 - 4 = 1, 2 को हमने ए कह दिया, ये एक्स वाई जो है उसको कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, और 2, 4 को हमने बी रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है ए एक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिसेस फॉर्म का, और हम इस ए को अगर शिफ्ट करें राइट साइड पर तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। सबसे पहले ए इनवर्स मालूम करने के लिए हमें मोड ए चाहिए होता है, ये आपको पता है। मोड ए कैसे निकालेंगे, हमने 8 - 4 = 1, 2 का मॉडुलस लेना है, 8 × 2 - 4 × 1, बीच में माइनस लगाएंगे, 8 × 2 = 16, 4 × 1 = 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 × 4 = 20 ≠ 0, इट मीन्स दैट ए इनवर्स इज पॉसिबल। फोर्थ स्टेप पे जाइए, नाउ यू विल फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मैं आपको बता चुका हूँ, आप क्या करेंगे, ए की यानी फर्स्ट और फोर्थ की पोजिशन रिप्लेस कर लेते हैं 8, 2 की जगह, 2, 8 की जगह, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, -4 - +4 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एडजॉइंट रिप्लेस कर दिए पोजिशन 1, 4 की, और 2, 3 की हमने साइन चेंज कर दी, एडजॉइंट ए हो गया। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 में हम ए इनवर्स की तरफ जाएंगे, फार्मूला है एडजॉइंट ए ओवर मोड है, ये प्रीवियस लेक्चर में जा चुका है 7.4 के अंदर, एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट की, मोड ए की वैल्यू पुट की, इसको और करके हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/20, और एज इट इज रख दिया एडजॉइंट ए की वैल्यू को, यानी ये ए इनवर्स हमें मालूम हो गया। स्टेप नंबर 6 में जाते हैं एक्स मालूम करने के लिए, हमारे पास फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यू विल राइट डाउन द वैल्यू एक्स वाई इंस्टेड ऑफ एक्स, एंड इंस्टेड ऑफ ए इनवर्स यू विल राइट ए 1/20 2, 4 - 1, 8, और बी की जगह यू विल राइट 2, 4, क्लियर, हमने वैल्यूज पुट कर दी, एक्स वाई को हमने एज इट इज रखा, 120 को हमने ऐसे ही रखा, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 + 4 × 4, नीचे आइए -1 × 2 + 8 × 4, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, 2 × 1 = 2 - में और +8 × 4 = 32, 16 × 4 = 20, और 32 में से माइनस कर देंगे 2, 30, एक्स वाई एज इट इज 1/20 एज इट इज। आप देखेंगे एक्स वाई एज इट इज रखा, अब 20 से इसको भी डिवाइड करते हैं, इसको भी, ये डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, ये डिवाइड होगा 3/2 आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू वाई और वाई की वैल्यू 3/2 हो गई, 3/2 को होल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 1/2 में, हिंस सॉल्यूशन सेट विल बिकम 1/1 / 1/2, यानी ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू आ गई, ये सॉल्यूशन सेट है, क्लियर स्टूडेंट्स।